क्रंचर थी दीवानी सी, रोज़ मेरी बालकनी में पसर के सोया करती थी। सोते सोते चोरी छुपके ये कुर्सियाँ क्रंच किया करती थी। कुर्सियों की जो प्लास्टिक है उसको चबा चबा के ये अपने दांत जो है घिसवाती रहती थी। फिर इसको अपने करियर का टेंशन होने लगा कि मेरा करियर क्या होगा, मैं पैसे कैसे कमाऊँगी। फिर इसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक रिक्रूटर आई अपना बिजनेस फॉर्मूला लेके। एक बिजनेस टाइकून इसकी दुखियारी कंडीशन को देखते हुए इसको मदद करने आई। उसने धीमी गति से प्यार से एक सवाल उसको पूछा कि क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। उसने ये क्वेश्चन सुन के ही ये अचंभित हो गई और ये सोच में पड़ गई कि ये तसला खाने के लिए भी पैसे मिलते हैं क्या। ये सोच में पड़ गई कि ये तो मैं कई सालों से कर रही थी, अब इसके पैसे भी मिलेंगे मुझे। ये बेचारी हो गई शॉक में चली गई और ये सोचने लगी अपना एक पाव का दिमाग लगा के। ये सोचती थी कि मेरे पास पैसे आएंगे, मैं भी मैनीक्योर पेडीक्योर करवाऊंगी, मैं भी अच्छे से सैलून में जाके हेयर कट करवाऊंगी, स्पा करवाऊंगी। तो क्या लगता है आपको, ये जॉब अपॉर्चुनिटी ये स्वीकार करेगी क्या? जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। आगे देखिए स्टोरी में होता है क्या। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहे, सतर्क रहे।